उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लालगंज कोतवाली में सिपाही द्वारा व्यापारी नेता से अभद्रता की बात पता चलते ही व्यापारी आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री समेत पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी लालगंज से की है। वहीं साथ ही एक माह से व्यापारियों द्वारा चलाई जा रही सामुदायिक रसोई भी बंद कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि जिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव व्यापारियों ने साथ दिया है, अब पुलिस द्वारा व्यापारियों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किया जाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर युवा अध्यक्ष मृत्युंजय वाजपेयी ने बताया कि त्रिवेदीपुर गांव में घुमंतू लोगों के डेरे में बाहरी लोगों के देखे जाने की बात पता चलने पर गुरुवार की शाम लालगंज कोतवाली में तैनात सिपाही राम नरेश वहां पहुंचे थे। वह भी वहां मौजूद था जहां पर सिपाही राम नरेश उस पर टार्च लेकर घरों के भीतर जाकर तलाशी लेने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर वह अभद्रता पर उतर आए और गाली गलौज करने लगा। श्री वाजपेयी का आरोप है कि कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा ने बीते एक सप्ताह पहले एक 16 साल की लड़की के लिए दुकान खुलवाकर कपड़े मंगवाए थे और जब वह 3 दिन बाद कपड़ों के पैसे लेने गया तब लालगंज कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा ने बेइज्जत किया और उसे किसी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी लालगंज में तैनाती के बाद कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा कई बार पत्रकारों समेत कई अन्य लोगों से अभद्रता कर चर्चा में रह चुके हैं। बावजूद इसके अपनी ऊंची पहुंच व रसूख के चलते हर बार विधिक कार्यवाही से वंचित रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज वह बिना किसी भय के उच्च अधिकारियों के रहमो कर्म से लगातार लोगों से अभद्रता कर रहे हैं। वह स्वयं को पुलिस कप्तान से कम नहीं समझते। व्यापारी नेताओं ने कहा कि यदि सिपाही व कस्बा इंचार्ज पर कोई कार्यवाही ना हुई तो वह सब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मृत्युंजय वाजपेयी, नगर युवा अध्यक्ष, व्यापार मंडल। क्या घटना हुई आपके? कल हमारे महामंत्री दीपक भदौरिया के पास सूचना आई कि सर्वकष मैदान के पास जो घुमंतू लोग हैं इनमें 4-6 लोग नए देखे गए हैं, तो इनकी सूचना हम लोगों ने नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा जी को दी। विवेक शर्मा जी के माध्यम से 2 सिपाही मुकेश और राम नरेश, ये 2 सिपाही आए। मुकेश सिपाही ने बढ़िया ढंग से सबको ट्रीट किया, हमसे पूरी जानकारी ली और जो डेरा का प्रमुख था सिकंदर उससे पूरी अच्छे से जानकारी ली और मामला निपटाने की कोशिश की। जब काम ख़त्म करके जब वो जाने लगे तो राम नरेश सिपाही हमसे बोले कि बहुत नेता बनते हो, टार्च उठाइए और सब घरों में देख के बताइए कहाँ निकले हैं, कहाँ चले गए सब, मतलब अपशब्द कहते हुए जो हम आपके मीडिया के माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने हम मतलब गाली गलौज करते हुए पूरी तरीके से रास्ते भर राम नरेश नाम है मेरा और लाठी तोड़ दूंगा तुम्हारे, ये समझ लेना, इतने मुकदमे लिखवाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि सारी राजनीति घुस जाएगी तुम्हारी। ये जब जानकारी हुई, जब ये बात हुई तो हमने सबसे पहले अपने जिलाध्यक्ष रोहित सोनी को फ़ोन किया, फिर नगर अध्यक्ष विवेक भैया को फ़ोन किया और जैसा अब विवेक भैया चाहेंगे इस प्रकरण में वैसा होगा। अध्यक्ष जी, आपने एक एप्लीकेशन CO साहब को दिया, क्या है पूरा मामला? हम लोगों ने बीते विगत 23 अप्रैल को कल शाम को एक व्यापारी की सूचना सर्कस मैदान लालगंज से आती है, त्रिवेदीपुर गांव है, वहां पे एक डेरा पड़ा हुआ है जो घुमंतू लोग हैं का डेरा पड़ा हुआ है, उस पे डेरा से किराना व्यवसायी की एक सूचना आई कि कुछ लोग यहाँ 4-5 लोग नए देखे गए हैं, उनके यहाँ सामान लेने व्यापारी वो आते थे घुमंतू लोग, उन्होंने देखा कि नए 5-6 लोग नए आए हैं, उसका उन्होंने हमको सूचना दी, हमने CO साहब से कहा, CO साहब ने कहा कि IPS साहब से आप सूचना दे दी, उन्होंने अपना सूचना देकर सिपाही वहाँ भेजे। हमारे यहाँ नगर युवा अध्यक्ष मृत्युंजय वाजपेयी और नगर महामंत्री युवा महामंत्री दीपक भदौरिया वहाँ पहुँचे मौके पर। शाम हो गई थी, अंधेरा था, वहाँ रात में पहुँचे और सिपाही राम नरेश और मुकेश से, राम नरेश ने कहा मृत्युंजय वाजपेयी से कि आप टार्च ले लीजिए और अंदर जाइए और देख कर डेरे को आइए और तब हमको सूचना दीजिए, नेतागिरी केवल तुम लोग कर देते हो और कोई सूचना नहीं, मैं सूचना फर्जी होती तुम लोगों। उन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसा जाऊं, आप जाइए साहब, मैं क्यों कैसे जाऊं। उसके न जाने पर उन्होंने गालियां देना स्टार्ट किया कि तुम लोग राजनीति करते हो, नेतागिरी करते हो, ज़बरदस्ती फ़ोन कराते हो, उसके बाद वो गालियां देते हुए चले गए। ये वाकई में हमारे पदाधिकारी के खिलाफ ये साजिश है, कल को कोई भी घटना हो सकती है हमारे पदाधिकारी के साथ, ये सत्य है, कोई भी घटना हो सकती है। मुझे संशय है चौकी इंचार्ज लालपन पर और सिपाही
राम नरेश पर पूरा संशय है। अच्छा रोल रहा मुकेश का, उसने समझाया, बात को मैनेज किया। मुझसे फोन पे बात कर रहा था, फोन काट कर उसे छुड़ा कर उसे गालियां दी गई। व्यापारियों में और पदाधिकारियों में आक्रोश है। आज हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसी महामारी में देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश, हम लोग सेवा कर रहे हैं। अगर हम लोगों के साथ ऐसी अभद्रता की जाती है तो बड़ा आक्रोश व्यक्त है सभी व्यापारियों और पदाधिकारियों। क्षेत्राधिकारी को एप्लीकेशन दिया, क्या कहा? हमने आज क्षेत्राधिकारी साहब को एप्लीकेशन अपना दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी, जांच। व्यापार मंडल ने दो सिपाहियों के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया, क्या है पूरा मामला? अभी आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालगंज के विवेक शर्मा जी और मृत्युंजय वाजपेयी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें लालगंज थाने के कांस्टेबल राम नरेश और कांस्टेबल मुकेश कुमार के विरुद्ध कुछ आरोप लिख के मुझे प्रार्थना पत्र मिला है, जिसकी मैं जांच करूंगा और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई इसमें करूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.